क्वेश्चन पे इंटीग्रेशन से ले पाई बाय फाइव से लेकर थ्री पाई बाय टेन तक साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ पे आपको लिमिट दिखाई दे रही है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब सोच के चलिए कि एफ ऑफ ए से लेकर बी तक की हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी अगर मुझे याद करनी है तो आपको पता होना चाहिए वो प्रॉपर्टी ये है। इसको हम लिख सकते हैं ए से लेकर बी तक एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी शायद आपको याद होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे अप्लाई करता हूँ मैं, इसको सबसे पहले तो वन दे देता हूँ इक्वेशन और आई से डिनोट कर देता हूँ। तो ये आई है तो इस आई को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको पाई बाय फाइव से लेकर थ्री पाई बाय टेन तक साइन थ्री पाई बाय टेन प्लस पाई बाय फाइव माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन थ्री पाई बाय टेन प्लस पाई बाय फाइव माइनस एक्स प्लस कॉस थ्री पाई बाय टेन प्लस पाई बाय फाइव माइनस एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, अब सोचिए थ्री पाई बाय टेन, देखिए थ्री पाई बाय टेन प्लस पाई बाय फाइव इतना होता है, यहाँ पे मैंने एलसीएम कर निकाल दिया टेन, तो यहाँ पे थ्री प्लस फाइव पाई डिवाइडेड बाय टेन यानी कि पाई बाय टू ही आ रहा है। तो जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से थ्री पाई बाय टेन तक साइन पाई बाय टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स डी एक्स, इस तरह से। ठीक है, तो इसके बाद आपका जो क्वेश्चन होगा थ्री पाई बाय टेन कॉस पाई सॉरी कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स कॉस एक्स सॉरी साइन पाई बाय टू माइनस एक्स यानी कि कॉस एक्स होता है प्लस साइन एक्स हो जाएगा डी एक्स। तो इसको इक्वेशन नंबर टू दे देता हूँ आई। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू। तो ऐड करने के बाद आपको क्या मिलता है देख लीजिए, अब ये इक्वेशन वन है इक्वेशन टू है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में तो दोनों के दोनों सेम ही है, तो डेफिनेटली आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगा पाई बाय फाइव से लेकर थ्री पाई बाय टेन तक वन डी एक्स, राइट। तो उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इंटीग्रेशन ऑफ वन का आंसर आप सभी को पता है, यहाँ पे टू आई आ जाएगा सबसे पहले तो, ठीक है यहाँ पे टू आई हो जाएगा टू आई, और इंटीग्रेशन फ्रॉम सॉरी वन का आंसर आता है एक्स और लिमिट होगी हमारे पाई बाय फाइव से लेकर थ्री पाई बाय टेन तक। अब बाद में आई इज इक्वल टू वन बाय टू इन टू, यहाँ पे पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इनका सब्ट्रैक्शन कितना होगा बताइए, यहाँ पे लिमिट टू से मल्टीप्लाई कर दो टू से थ्री पाई माइनस यानी कि पाई हो जाएगा माइनस पाई बाय टेन हो जाएगा, इसका मतलब है आंसर आ जाएगा पाई बाय ट्वेंटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा पाई बाय ट्वेंटी, बस एक प्रॉपर्टी यूज की है यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, वेरी इजी एग्जांपल, बस प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिए और इस क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व कीजिए तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो राइट डाउन दिस।